हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे परफ्यूम चैनल परफ्यूम गुरु इंडिया पर। आज मैं दो बहुत ही ख़ास खुशबुओं की बात करने जा रहा हूँ। ये दोनों परफ्यूम्स रमज़ान के मौके पर हमारे जाकिर भाई ने निकाले थे। हर साल वो कुछ रमज़ान के लिए कुछ स्पेशल करते हैं। इनफैक्ट दिवाली पर भी उन्होंने सबसे पहले निकाला था अतर काफिला, इत्र काफिला। बहुत ही पॉपुलर परफ्यूम है। जो भी परफ्यूम जगत में परफ्यूम लगाने वाले लोग हैं, नेचुरल अतर लगाने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी पसंद आया था, बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले थे, काफ़ी इनक्रेजमेंट मिली। वो चीज़ जो है धीरे धीरे आगे अभी तक चल रही है और जाकिर भाई इस तरीके के मटेरियल्स लेकर हमारे पास आते रहते हैं। जाकिर भाई से मैं मिला था एक फ़ोरम के थ्रू और वहाँ पर बात होती थी ऊद की। वो एक ऊद से रिलेटेड फ़ोरम था। दोस्तों ऐसे भी ग्रुप्स और फोरम्स हैं जहाँ पर हम ऊद और नेचुरल एथर्स की बात करते हैं। वहाँ पर डिस्टिलर्स भी हैं, वहाँ पर सेलर्स भी हैं, तो वो एक काफ़ी नॉलेजेबल कह लीजिए कि लोगों की एक गैदरिंग है, हस्तियों की एक गैदरिंग है, एक महफिल है जहाँ पर झगड़ा भी होता है, टकरार भी होती है, सब कुछ होता है। वहाँ पर मैंने देखा कि एक अपना इंडियन आर्टिस्ट भाई नया नया कुछ ऊद ऊद ये सब दे रहा है। काफ़ी दिन हो गए, अब काफ़ी साल हो गए। तो वहाँ पर जाकिर भाई का मैंने एक पोस्ट देखा था जहाँ पर उन्होंने कलाकाशी के बारे में लोगों को ज्ञान दिया। लोगों को पचा नहीं, बहुत लोगों को, बहुत जिस जो समझदार हैं वो समझ गए। ये कलाकाशी नाम के ऊद से काफ़ी ऊद जो है मार्केट में मिलते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में। इस नाम को एक ऐसे ऊद के साथ जोड़ दिया गया है जैसे कोई ये जादुई मटेरियल हो, कुछ खास मटेरियल हो, और कुछ ब्रांड्स जो हैं उसको बेचने के लिए 80 ईयर्स का टैग लगा देते हैं, 120 ईयर्स, 150 ईयर्स पुराना ऊद का तेल। और पब्लिक जो है समझती है बहुत पुराना तेल है, गजब का तेल होगा, दाम ऐसा कि मैं बोलना ही नहीं चाहता, मतलब हज़ारों और लाखों में बात कर रहे हैं तोले की। तो दोस्तों कलाकाशी के बारे में सबसे पहले मुझे जाकिर भाई से पता चला, फिर मैं कुछ रेस्पेक्टेड ऊद बनाने वाले लोगों से मिला, कमर्शियल कंपनीज के जो बहुत लेजेंड्स हैं, वहाँ से कुछ कलाकाशी के बारे में मैंने पूछा, जानने को मिला। दोस्त कलाकाशी क्या है? बेसिकली अपने इंडिया में जो स्पीशीज़ मिलती हैं वो सेम स्पीशीज़ बांग्लादेश में मिलती है। इंडिया और बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा हिंदी ऊद, जो इंडियन ऊद जो होता है, जो उसका एक अलग वेराइटी है, जिस तरीके से कम्बोडी ऊद, सिलानी यानी कि श्रीलंकन ऊद, इंडोनेशियन ऊद, बर्मीज ऊद, बर्मा का, भूटान का, सॉरी भूटान का ऊद, और यहाँ वहाँ का रेयरली मिल जाते हैं, चाइनीज़ ऊद मिल जाते हैं, वैसे एक वैरायटी होती है हिंदी ऊद। हिंदी ऊद यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये बस इंडिया के लिए स्पेसिफिक नहीं है। ये एरिया पहले सब इंडिया ही हुआ करता था, भारत हुआ करता था, या जो भी किंगडम्स थी उनकी हुआ करती थी। तो दोस्तों वहाँ से निकलता था हिंदी ऊद। तो कलाकाशी उसकी एक वेरायटी है, बेसिकली प्लेन वेरायटी, कुछ स्पेशल वेरायटी नहीं है। उसकी एक मीठी सी खुशबू होती है जो लोगों को बहुत पसंद आती है, दैट्स ऑल। कलाकाशी रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जो अपने बनाना लीव्स होते हैं यानी कि केले का जो पेड़ होता है उसमें एक जो ब्लैक कलर का जो उसका अपियरेंस होता है, उसकी बार्क का, वो सेम आपको उस लकड़ी में भी मिलता है। वो लकड़ी मैंने काफ़ी अपनी ज़िंदगी में भी देखी है, इस्तेमाल की है, अच्छी खुशबू होती है उसकी, उससे जो तेल निकलता है बड़ा मज़ेदार सा होता है, उसमें एक मिठास होती है और एक नींबू की जो कह सकते हैं कि नींबू का खट्टापन उसमें होता है, बहुत प्यारा नोट होता है। तो दोस्तों वो सब सीखते सीखते मैं जाकिर भाई के को मैंने अप्रोच किया। जाकिर भाई ने मुझे फिर सैंपल्स भेजे अपने काम के, मैं बड़ा खुश कि भाई इंडियन आर्टिस्ट। और मैं उस समय तक काफ़ी ऊद इंटरनेशनल जो भी हमारे रिप्यूटेड लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके ऊद काफ़ी मैं इस्तेमाल कर चुका था, महंगे महंगे हर एक टाइप के मेरे पास अच्छा खासा ऊद कलेक्शन था। तो मुझे एक्सपीरियंस था, लकड़ी जलाने का एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, तो मेरे लिए जज करना आसान हो जाता है ऐसी चीज़ों को। तो कमर्शियल मार्केट में मैंने जो भी इंडिया में अपनी सूंघी थी लकड़ियों की खुशबू और तेल वेल, तो दोस्तों इतना मज़ा नहीं आया था, बड़ी ऑब्वियस ही बात है। और यही चीज़ इंटरनेशनल फोरम्स पर भी हमेशा बात की जाती थी कि इंडिया से तो भाई अब ऊद जो है बेकार हो गया, ख़त्म हो गया, अब नहीं मिलता कुछ भी। सच्चाई ये हुई, या सच्चाई ये बाद में पता चली कि अपने आर्टिस्ट ही नहीं हैं इंटरनेशनल फोरम्स पर। तो एक आर्टिस्ट तो जाकिर भाई हैं, इसलिए हमारी फिर दोस्ती हुई धीरे धीरे करके। बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे, फिर मैंने उनको इनक्रेज किया नेचुरल मटेरियल्स में और एक्सप्लोर करें। खुद भी करते थे, खुशबू के शौकीन, अचानक से फिर जो है वो जाग, अगर इंसान को इज्जत मिले तो इंसान जो है जाग जाता है। ऊद से उनका नाता बहुत पुराना है, वो फैमिली में रन करता है। तो उन्होंने फिर जो मटेरियल्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया, इत्र काफिला का जन्म वहीं हुआ और लोगों ने बहुत रेस्पेक्ट किया। दोस्तों नेचुरल मटेरियल्स को एक दूसरे के साथ बिठाना बहुत मुश्किल है, इनमें बहुत डेप्थ होती है, बहुत गहराई होती है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जो नए लोग हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो शायद इस बात को
अभी नहीं समझ पाएंगे, पर जैसे जैसे इन मटेरियल्स को एक्सपीरियंस करेंगे वो समझेंगे कि ये डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या। भाई हम तो जानते थे खुशबुएं जो हैं, खुशबुओं को लगाना चाहिए दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, या फिर एक अच्छा हाइजीन बना रहे, लोग खुश रहें, आपके आपके चारों तरफ माहौल अच्छा रहे। दोस्तों खुशबुएँ जो है बहुत कॉम्प्लेक्स आर्ट है, बेसिकली खुशबू जो है कॉम्प्लेक्स आर्ट है। अगर नेचुरल मटेरियल इस्तेमाल किए जाएँ तो वो कॉम्प्लेक्सिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सिंथेटिक मटेरियल्स को जानबूझकर लीनियर रखा जाता है, लीनियर यानी कि बहुत ही सिंपल प्रोफाइल। अगर मस्क की खुशबू है तो बस एक तरीके की मस्क की खुशबू आएगी, ऊद की खुशबू है तो एक टिपिकल फंकी सा लेदरी सा नोट आएगा, बस बहुत चेंज नहीं होगा। जैसे ऊद अगर आप नेचुरल तेल लगाएं, उसका अच्छी क्वालिटी का तेल लगाएं, शुरुआत में थोड़ा लेदरी होता है, थोड़ा एनिमलिक होता है, बीच में जाता है तो उसमें एक स्पाइसी सा नोट आता है, जैसे कि अपने सौंफ होती है उसकी स्वीटनेस जो होती है वो आती है आपको उसमें, थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो अपना टैमरिंड यानी कि इमली की जो खटास होती है, जो खट्टापन होता है वो लगता है, फिर बाद में वो मीठा होता चला जाता है, और इतना मीठा होता चला जाता है, स्मोकी होता चला जाता है। तो अगर आपने ऊद की लकड़ी कभी अपने लाइफ में जलाई होगी असली, तो वो लिफ्ट वहाँ पर मिलना शुरू होता है। दोस्तों मैंने तो दुनिया भर की लकड़ियाँ जलाई हैं, बहुत अच्छी अच्छी ग्रेड की लकड़ियाँ जलाई हैं, स्पेशली इन्हें इंसेंस ग्रेड वुड बोलते हैं। तो अपने मुझे मेरी जो फाइंडिंग है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये सब कोई जानते हैं, ये होली बुक्स में लिखा है, ये नॉर्मल बुक्स में लिखा है, इन भारत पर जितने भी किताबें लिखी गई हैं ट्रैवल्स के थ्रू ज़माने में, तो दोस्तों उसमें भी लिखा है जो हिंदी ऊद है वो सबसे स्पेशल ऊद है, सबसे रेस्पेक्टेड। यही अगलोचा स्पीशीज़ जो भारत में बांग्लादेश में जो मिलती है, बहुत बढ़िया उसकी जो खुशबू होती है ना, वो बड़ी सूफियाना होती है, उसकी फील जो है बहुत ही अलग होती है। तो दोस्तों उस तरीके के मटेरियल्स यहाँ पर आपको इन दोनों अतर में इस्तेमाल किए गए हैं, एक है आपका खसूफियान, जो एक आइडिया मैंने दिया था जाकिर भाई को कि आप इस तरीके का काम कीजिए, क्योंकि इनका एक खस मदुरई पिछले रमज़ान पर आया था जो बहुत ही फेमस हुआ था, लोगों को बहुत पसंद आया था हमारे व्यूअर्स को। दूसरा है ऊद लुबान। ऊद लुबान एक खास और यूनिक नोट है जिसके साथ जाकिर भाई ने इस बार एक्सपेरिमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्टिकुलरली एक्सपेरिमेंट। खस सूफियान में जो दोस्तों शुरू में फूल आते हैं जैसे कि बेला, पर्टिकुलरली नाक को लगता है, ये सेम चीज़ आपको खस मदुरई में मिलती थी। नाम इसलिए उसका मदुरई था क्योंकि मदुरई का उसमें बेला इस्तेमाल किया गया था, यानी कि जैस्मिन संभाग जिसे मोगरा भी हम बोलते हैं, उसकी बड़ी मीठी सी प्यारी सी खुशबू होती है, और उसमें जो है एक गीलापन होता है, एक वेटनेस होती है उसमें, जिस तरीके से सर्दी के दिनों में पत्तों पर फूलों पर जो ओस जम जाती है उसकी जो खुशबू आती है, एक फूल की खुशबू और एक उस ओस की खुशबू, वो आपको खुशबू यहाँ पर मिलेगी बेला के साथ। बहुत ही हल्की खुशबू है क्योंकि खस तो एक पावरफुल नोट है दोस्तों, आपको भी पता है। तो इनिशियली जो उसकी शार्पनेस होती है खस की, जो एकदम झांस जैसी लगती है नाक को, तो वो थोड़ा सा ओवरवेलम करती है, बट वही सॉफ्टनेस जो बेला का आप पिकअप करेंगे बहुत खुशी होगी आपको, स्पेशली अगर आप इन दोनों नोट्स को आइसोलेट कर सकते हैं सतर में, वो खुद समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अतर जैसे जैसे आगे बढ़ता है खस का नोट वो मीठा होता चला जाता है, और आपको यहाँ पर चंदन का बहुत प्यारा सा एक नोट मिलेगा। ये चंदन जो है जाकिर भाई का बड़ा स्पेशल है, क्लासिक विंटेज माइसोर, जो आमतौर पर जो आपको मार्केट में संदल के तेल मिलते हैं वो फ्रेश होते हैं, ताज़ा होते हैं, क्योंकि संदल एक ऐसा आइटम है जो हमेशा निकलता रहता है, आएगा किसी भी फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री हो, फूड इंडस्ट्री हो, या फिर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो वो मटेरियल आपको जब भी मिलेगा मार्केट में ताज़ा मिलेगा। जाकिर भाई के पास जो है, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से खरीद रखा है उनसे, दो अलग अलग वेराइटी के चंदन के तेल थे, तो इसमें स्पेशल वाला चंदन का तेल उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो आपको वो दही की खटास नहीं देता टॉप पे। टॉप नोट जो है दही का जो खट्टापन होता है जो नाक को लगता है वो नहीं है, उसे इंग्लिश में लैक्टोनिक नोट भी बोलते हैं, यानी कि मिल्क से रिलेटेड। तो दही मिल्क उसमें जो एक खट्टापन आता है स्पेशली फटे हुए दूध में, वो स्मेल यहाँ पर नहीं आती। ये शुरू से ही बड़ा सोफिस्टिकेटेड एजेड यानी कि पुराना हो चुका है तेल, तो वो टॉप नोट्स इसके चले गए हैं। इसमें आपको मीठी सी लकड़ी की इंसेंस मिलती है जो अपने मैसूर चंदन की बोनाफाइड स्मेल है, टिपिकल स्मेल है, बहुत प्यारी, बहुत ही सॉफ्ट जेंटल, और वो खस की तरह बिल्कुल ऐसे घुल जाती है, दोनों घुल मिल जाते हैं। मैंने भी अपना एक अतर बनाया था दोस्तों, तो मुझे ये बात पता है कि खस और चंदन जो है बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं टू ईच अदर, बिल्कुल प्यार से बैठ जाते हैं, और उन दोनों नोट्स को अतर में समझने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, स्पेशली अगर आप इन दोनों नोट्स को अलग अलग पढ़ें, अलग अलग सूंघें, स्टडी करें, तो आप समझ जाएंगे कि दोनों नोट्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा और क्लीन अतर, इसकी लॉन्जेविटी जो है यानी कि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त, 14 घंटे स्किन पर आराम से लास्ट करता है। ये खस है दोस्तों, खस तो ऐसी चीज़ है कि गर्मी है हो, आप रेगिस्तान में खड़े हों, डेजर्ट में खड़े हों,
जल रही हो आपकी चमड़ी और एक खस आपके ऊपर से लगा जाए, मल जाए, तो बस दोस्तों तो मरहम का काम करेगी। बिल्कुल सॉफ्ट मीठा होता चला जाता है खस, जितनी गर्मी उतना मीठा होता चला जाएगा। मेरे ऊद, मेरे कलेक्शन में बहुत महंगे महंगे ऊद हैं, कुछ गिफ्ट किए हुए, कुछ खरीदे हुए अपने, कोई मैच नहीं है दोस्तों ऊद का। ऊद इतना कॉम्प्लेक्स मटेरियल था, मुझे खुद नहीं पता था। और अच्छे अच्छे ऊद की खस की मैं बात कर चुका हूँ आपके सामने, तो खस एक इतना सस्ता और इतना सिंपल मटेरियल हो गया दोस्तों, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब आश्चर्य है मुझे, मैं हैरान हूँ। तो वो मीठी जो उसकी लपट जिसको बोली जाती है, वो बिल्कुल धीरे धीरे करके इनसेंस की तरह उठती है। जो महंगे महंगे ऊद, ऊद में भी जो सबसे महंगा ऊद होता है कीनाम या क्यारा, जो बहुत ज़्यादा महंगा होता है दोस्तों, वो स्वीटनेस यहाँ पर मिलती है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि वो लिफ्ट, थोड़ा सा अपने स्किन पे लगा लीजिए, बिल्कुल पेंट की तरह चिपक जाता है। वो लिफ्ट देता रहता है, देता रहता है मीठी खुशबू, कभी फटाक से इधर से लगेगी, कभी फटाक उधर से लगेगी, तो लगाने वाले को तो वो एक्सपीरियंस जो है चेहरे पे मुस्कान ला देगी, और सामने वाला शायद नहीं समझ पाएगी बंदा क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। लेकिन आपको अपना हाथ भी, नाक भी हाथ में घुसाने की ज़रूरत नहीं, वो खुशबू आती रहती है, बस फोरआर्म्स पे थोड़ा सा लगा के छोड़ दीजिए, और जो मस्ती आएगी आपको, जो महफिल वो बांध देगा आपके चारों तरफ, दैट्स अ मैग्निफिसेंट एक्सपीरियंस। मतलब ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सूफियाना एक्सपीरियंस है, मन शांत हो जाएगा, दिल को खुशी मिलेगी। दोस्तों ये नेचुरल मटेरियल्स का कमाल है, खस सूफियान में आपको वो एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा। जहाँ तक यूजेज की बात है दोस्तों, गर्मी में आराम से लगाइए। इंडिया में बहुत सारे परफ्यूम मैं ऑलरेडी अभी टेस्ट कर रहा हूँ रिव्यू करने के लिए, कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो 40 डिग्री की इस गर्मी में ह्यूमिड और जहाँ पर ड्राई हीट है वहाँ पर भी सर्वाइव कर जाए रूह खस के अलावा। तो इस ब्लेंड का इंपॉर्टेंट समझिए, इसलिए समर के लिए बनाया गया है। इतना सस्ता, आई थिंक 1850 रुपये, यानी कि लेस देन 2000 रुपीज़ फॉर पाव तोला। इट्स अ वेरी स्पेशल प्राइस, पाव तोला यानी कि 2.5 ग्राम्स, अराउंड 3 ml। दोस्तों इसे प्लीज़ ट्राई करें, मुझे भी बताएं, फीडबैक दें अपना, आपको कैसा लगा। जो अगला आता रहा, चलिए उस पर आते हैं, यह है ऊद लुबान। ठीक है दोस्तों, तो ऊद लुबान का कॉन्सेप्ट क्या है? लुबान फ्रैंकिंसेंस होता है, यानी कि धूप होता है, धूप इससे ही बनता है। तो धूप की अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं। जो सबसे महंगी और प्रेशियस जो धूप है वो आती है ओमान से या फिर आपकी सोमालिया से, वहाँ पे इसे फ्रैंकिंसेंस बोलते हैं। ये बॉसविलिया सेराटा इसका साइंटिफिक नेम है, और मेरे पास है ओरिजिनल, जो आपको गल्फ मार्केट में, ओमान के मार्केट में मिलेंगी, रॉयल होजारी करके। ये यूजुअली जो है पेड़ पे जो कट्स लगते हैं, आपने कभी देखा होगा, कभी कट लगे तो उसमें थोड़ा सा गम टाइप का चिपचिपा मटेरियल निकलता है, वो ड्राई हो जाता है पेड़ पे लगे लगे और रेजिन बन जाता है, उसे रेजिन बोलते हैं। मटेरियल ये जो परफ्यूमरी में इस्तेमाल करते हैं इसे रेजिन बोलते हैं, प्लांट रेजिन्स। लैबडेनम भी एक प्लांट रेजिन है, जिसे एम्बर का नोट निकालने के लिए या फिर एम्बर ग्रिस की मस्की नोट निकालने के लिए सिंथेटिक परफ्यूमरी में या फिर जनरल परफ्यूमरी में यूज़ करते हैं। फॉसिलाइज्ड एम्बर, जिसे लोग स्टोन में भी बनाकर पहनते हैं दोस्तों, उसका भी ड्राई डिस्टिलेशन, चोया डिस्टिलेशन करके परफ्यूमरी में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत रेयर है, बट वो भी इस्तेमाल होता है स्मोकी नोट लेने के लिए। मर, गूगल, इंडियन गूगल, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी वेराइटीज़ हैं जो इस्तेमाल होती हैं दोस्तों। तो वो जो टीयर्स होते हैं जो पेड़ से निकलते हैं रेजिन्स, वो लुबान की खुशबू कैसी होती है आप सोचेंगे, धूप की जैसी होती है, बट एक्चुअली धूप की तो होती है, बट बहुत ही जेंटल धूप की खुशबू होती है, शार्प सी, जिस तरीके से एक धूप आप अगरबत्ती जलाते हैं, तो वो खुशबू नहीं होती है दोस्तों। एक्चुअली बहुत मीठी खुशबू होती है, उसमें नारंगी की खुशबू आती है, ये उसका सबसे कमाल का बोनाफाइड नोट है। कभी मैं बनाऊंगा उसको, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और बहुत जेंटल सी, प्यारी सी, अपलिफ्टिंग सी खुशबू होती है, उसे लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उसे लोग खाते भी हैं, उसे गर्म पानी में उबाल कर पीते भी हैं। तो बहुत सारी यूजेस हैं उसकी, अपार्ट फ्रॉम experiencing its fragrance, its smell, उसकी खुशबू के अलावा। तो दोस्तों वो खुशबू यहाँ पर ट्रैप किए जाकिर भाई ने बहुत खूबसूरती से। तो इसमें लुबान का एक्सपीरियंस, आप जैसे स्किन पर लगाएंगे लुबान की खुशबू आएगी। और इसमें एक बहुत प्यारा सा, एक ऑलमोस्ट सैफरन यानी कि केसर का लिफ्ट मिलता है, स्पाइसी सा लिफ्ट मिलता है। और उसी समय मैं कह सकता हूँ कि ऊद का जो एक टिपिकल नोट होता है, वुडी, थोड़ा सा लेदरी, वो यहाँ पर मिलता है। बहुत ही खूबसूरत नोट है, इसमें कुछ मस्क का इस्तेमाल किया गया किसी तरीके के, जो बिल्कुल, मतलब एक ऐसा लगता है कि आपके चारों तरफ एक मस्क का मीठा कंबल किसी ने रख दिया। वो मखमली जो एहसास है, जो एक्सपीरियंस है, जो उसकी फीलिंग है, वो उसको दोस्तों शब्दों में, उसका शब्दों में वर्णन करना या बताना बड़ा मुश्किल होगा। वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप, अगर मस्क जो भी है, सिंथेटिक है, जैसा भी है, मस्क एम्ब्रेट या जैसा भी है, वो खुशबू जो मीठी सी, प्यारी सी जो होती है, वेलवेटी सी दोस्तों, वो आपको यहाँ पर मिलती है। लेदर की एक बहुत प्यारी नोट इस्तेमाल की गई है इस अतर में, जो एक स्पेशल है। ये आपको नेचुरल अतर में यार बनाना बड़ा ही मुश्किल है, तो ये आप अतर एक्सपीरियंस करें और समझें कि
इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से एक नेचुरल परफ्यूम को भी ब्लेंड किया जा सकता है, ये मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। और सबसे ख़ास बात, थोड़ा सा ही लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। इस गर्मी के मौसम में ये फ्रेग्रेंस भी बहुत लंबा टिकता है और इट्स लाइक अ परफ्यूम। अगर आप लगाएंगे एक तो लोग समझेंगे ये परफ्यूम है। जैसे खस सूफियान को आइडेंटिफाई करना लोगों के लिए मुश्किल होगा क्योंकि बहुत नेचुरल सी बड़ी यूनिक सी चीज़ है, जो लगाने वाला है वही वो समझ सकता है। बट कूद लो बाद में वो चीज़ नहीं है। इसमें मिठास है, इसमें मस्कीनेस है, स्वीट लेदरी नोट्स हैं, टोबैको का नोट आ रहा है, एक ज़ाफरान से आ रहा है, ऊद से एक स्मोकी सी वुडी सी लिफ्ट आ रही है। बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत ही डायनामिक अतर चेंज होता रहता है। लास्ट का जो पोर्शन है लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा लीनियर है, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत घुमा फिरा के इधर उधर से उड़ के नहीं आता जिस तरीके से खस, तो वो खस की खासियत है दोस्तों। यहाँ पर जो है बहुत खूबसूरत स्मेल आती है, इट्स अ ब्यूटीफुल स्मेल, एक तरीके से नीश फ्रेग्रेंस। अगर कोई लेदर फ्रेग्रेंस महंगा सा इस्तेमाल किया जाए वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलेगा। मॉसी सा शिप्र जिसे बोलते हैं फ्रेंच में, एक टिपिकल मस्की शिप्र फ्रेग्रेंस जो बोलते हैं, वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलेगा जो एक अतर फॉर्म में मिल रहा है। मुझे याद नहीं दोस्तों इसका प्राइस क्या है, बट ऊद लुबान और खस सूफियान दोनों पैकेज रमज़ान पर ऑफ़र किए थे जाकिर भाई ने, आई थिंक अलग से भी अवेलेबल है। ऊद लुबान शायद ख़त्म हो चुका है दोस्तों, अगर आपने वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, नहीं किया था, आई एम वेरी सॉरी। आप फ्रेग्रेंस कम्युनिटीज़ पर चेक कीजिए, कमेंट सेक्शन में डाली, हो सकता है कोई किसी के पास दो बोतल हो, कोई डिकैंट कर रहा हो निकाल कर दूसरों को सैंपल बेच रहा हो, तो वो अगर एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं दोस्तों उस थर्ड पार्टी सोर्स से लेना पड़ेगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट दोस्तों खुशबू ज़रूर ट्राई कीजिए, वाली बड़ी यूनिक और बहुत प्यारी सी खुशबू उन्होंने निकाली। ये एक प्रॉपर परफ्यूम है, तो आपको वेस्टर्न एक्सपीरियंस भी मिलेगा परफ्यूम, यूरोपियन एक्सपीरियंस भी मिलेगा, इंडियन एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और नेचुरल है तो बिल्कुल प्यारी खुशबू, मन को खुश करने वाली खुशबू। और ये खुशबू जो है दोस्तों अपने मन के लिए जो है जो लोग लगाते हैं वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तो ये फ्रेग्रेंसेज ऐसी हैं जो आपको खुद भी मज़ा आएगा लगाकर और दूसरे बंदे या दूसरे लोग जो सूंघेंगे अगर इसकी इसके रेडियस में आएंगे, इसके सर्कम्फ्रेंस में आएंगे, तो दोस्तों उन्हें भी खुशी होगी। तो दोस्तों ये था रिव्यू हमारे आज जाकिर भाई के दोनों खास इत्र का, अतर्स का, और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, मुझे बहुत खुशी हुई। कोई इसमें क्रिटिसाइज़ करने वाली बात इसलिए नहीं क्योंकि दोनों का परफॉर्मेंस, जिसमें मुझे डर था, वो परफॉर्मेंस एकदम टॉप क्लास है। तो इस गर्मी में भी दोस्तों अगर ये फ्रेग्रेंसेस लास्ट कर रही हैं तो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त बात है। खास तो दोस्तों चलता रहता है 14 घंटे 12 घंटे आराम से, आई थिंक ऊद लुबान आपको 6 से 8 घंटे आराम से चलेगा। और अगर आप एसी में वाले एनवायरनमेंट में, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, या फिर थोड़े प्लेजेंट क्लाइमेट में है, रेनी मौसम है, तो ऑफकोर्स थोड़ा 2-3 घंटे स्ट्रेच हो सकता है, बट एक्सपीरियंस दोनों से जो मिलता है वो एक्स्ट्रॉडनरी है दोस्तों। इस तरीके की परफ्यूमरी इंडिया में धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगी, मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है। और जाकिर भाई उस तरीके के आर्टिस्ट हैं जो अपना दिल डाल देते हैं अपने अतर में, तो वो एक्सपीरियंस डायरेक्टली आप एक्सपीरियंस करते हैं, वो चीज़ जो है आपको यहाँ पर निखर के आती है और भी खूबसूरत बनाती है इन चीज़ों को। आर्ट में पैशन जुड़ जाए किसी का, या उस बंदे को खुद खुशबुएं लगाने का शौक हो, तो वो ऑटोमेटिकली उसके काम में रिफ्लेक्ट करता है और वो चीज़ यहाँ पर मिलती है दोस्तों। तो आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ़र था ये, और आपने अगर ये अतर्स ट्राई किए हैं, ख़रीदे हैं, लगाए हैं, सैम्पल किए हैं दोस्तों, तो अपने फीडबैक, अपने कमेंट ज़रूर नीचे मेंशन कीजिएगा, हमें जानकर अच्छा लगेगा कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, आगे बात करते रहेंगे, बहुत सारे वीडियोज़ अभी बनाने हैं। एक और ऊद आर्टिस्ट हैं, बहुत पुराने, इंटरनेशनल कम्युनिटी के बहुत बड़े लेजेंड, उनकी बात भी हम करेंगे। उन्होंने कुछ ऊद लॉन्च किए हैं, बहुत हाई क्वालिटी आर्टिजनल ऊद। तो दोस्तों बहुत बढ़िया चल रहा है 2019 हमारी फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री के लिए, इंडियन फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री के लिए। चलिए दोस्तों एक और धमाकेदार वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, आप जुड़े रहिए बस इस चैनल से जिसका नाम है परफ्यूम गुरु इंडिया।